खुर्जा क्षेत्र में एक 8 माह की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस का कहना है कि पति पर ही रेप का आरोप है। महिला की पूर्व भी शादी हो चुकी है। रेप की घटना को पुलिस मान रही है संदिग्ध। सीओ सुरेश सिंह का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। पीड़िता जो खुर्जा नगर कोतवाली में अपने वर्तमान पति के साथ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगा रही है, पीड़िता का कहना है कि आरोपी व्यक्ति और उसका मामा बहला फुसलाकर उसे ले गए थे और एक कमरे पर लेकर जाकर एक व्यक्ति ने उसके हाथ पकड़े और दूसरे ने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि पति को घटना के बारे में कुछ भी बताया तो उसको जान से मार देंगे। पीड़िता ने खुर्जा कोतवाली पहुंचकर घटना की तहरीर देकर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तीसरी शादी है। पूर्व पति पर रेप का आरोप लगा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीड़िता का वर्तमान पति पूर्व पति पर मुकदमे के लिए दबाव बना रहा है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, उसके उपरांत आगे की कार्यवाही की जाएगी। बाइट वन बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट। खुर्जा नगर निवासी एक व्यक्ति जो बाहर कहीं काम करता है, उसके द्वारा एक शिकायत की गई है कि मैं बाहर रहकर काम करता हूं, मेरी पत्नी यहां अकेली थी, इसी बीच उसका एक रिश्तेदार आया, उसकी पत्नी को बहकाकर अपने साथ कहीं किराए के मकान में जहां वो रहता है वहां लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में जो प्राथमिक छानबीन की गई है उसमें तथ्य प्रकाश में आए हैं कि शिकायतकर्ता की पत्नी का यह तीसरा विवाह है, इससे पूर्व 2 विवाह उसके हो चुके हैं। लगभग 10 माह पहले इस व्यक्ति से महिला ने विवाह किया था। इनके भी आपस में संबंध ठीक नहीं है। झगड़ा विवाद होने के बाद पति घर से गया था, बाहर कहीं काम करता है, और यह कहकर गया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रखूंगा, तुमको अपने साथ नहीं रखूंगा। इसी बीच इनके एक रिश्तेदार का महिला के घर प्रायः आना जाना था। दिनांक 9 अक्टूबर में महिला रात्रि में उस व्यक्ति के साथ जो कि इनका रिश्तेदार है कहीं चली गई थी, जहाँ महिला रहती है। आसपास के लोगों ने जाते हुए महिला को उसके साथ देखा था। उन्होंने इसके पति को इस बारे में अवगत करा दिया। पति लौट कर आया, आपस में विवाद हुआ और उसके बाद पति ने इस तरह की शिकायत थाने में की है। प्रतीत होता है कि पति अभियोग पंजीकृत कराना चाहता है।